हाबी बेगम, बारात को इस्तकबाल करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हाँ, देर हो गई ना हम लोगों को, तो शायद वो लोग नाराज हो गए होंगे। हम कौन सा अपनी खुशी से रुके, साहिर है मसला हो गया था इसलिए रुक गए थे। लेकिन ये सामने क्या हो रहा है, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। नहीं नरमीन, गड़बड़ क्या होगी, चलो आगे चलते हैं ना। चलो बेटा। क्या आपकी तरफ से निकाह पढ़ाने की इजाजत है? जी मौलवी साहब, चाहिए। फलशाह अरसलान, आपका निकाह हुज़ैफ़ा वल कामरान के साथ। ये क्या हो रहा है यहाँ, किसका निकाह हो रहा है फरिया बेगम? मेरे बेटे हुज़ैफ़ा और पलवशा का निकाह हो रहा है, आपने बहुत देर कर दी आने में। लेकिन बारात तो मैं लेकर आई हूँ अपने बेटे की। किस बेटे के, इसके जो इस निकाह के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए हॉस्पिटल जाकर बैठ गया था ना, ताकि हमारी बेइज्जती हो सके। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। किसने कहा है आपसे ये सब कुछ? आप क्या समझती हैं बजे, आप मुझे नहीं बताती तो क्या पता नहीं चलता कि इस निकाह के लिए अपने बेटे को तैयार करने के लिए आपने कितने पापड़ बेले? आप मुझे एक बात बताइए, जब आपका बेटा इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं था तो आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आई क्यों थी? मैंने तो आपकी मोहब्बत में आकर बची इसकी माँ और उनके माजी को भी इग्नोर कर दिया था, लेकिन इसने क्या किया, वही किया ना जो इसके गंदे खून से तवक्का की जा सकती थी। क्या कह रही हैं आप हद से आगे बढ़ रही हैं। ऐसा करने पे आप ही ने मुझे मजबूर किया है बजिया, लेकिन अब मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से नीलोफर के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करने जा रही हूँ, इसलिए कि अपने अपने ही होते हैं, आपकी इज्जत के मुहाफिज, आपके दुख दर्द के साथी। लेकिन हाँ बजिया, मैं सारी जिंदगी ये नहीं भूलूंगी कि आपने मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये आप क्या कह रही हैं फरिया जी, यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। अकबर हुसैन समझाए ना इन्हें, यकीनन किसी ने इनको भड़का दिया हमारे खिलाफ, वरना वो ऐसी बातें ना करती। मुझे किसी ने नहीं भड़काया और ना ही मैं किसी की बातों में आने वाली हूँ। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि जिसने बर वक्त मेरी बेटी को आपके इस गुंडे मवाली और बद किरदार बेटे से बचा लिया। बस भजिया प्लीज, अब मजीद बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बस बस, इसे आगे कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने औरत पैदा किया या आपको इसीलिए बर्दाश्त कर गया आज बली, वरना मेरी माँ के साथ कोई इस लहजे में बात करे ये बर्दाश्त नहीं करता मैं। और मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो। मौलवी साहब निकाह जारी रखिए। फलान, आपका निकाह हुज़ैफ़ा वल कामरान के साथ मुबलक 5,00,000 रुपए हक मेहर के इवज इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल। यहाँ 10 वक्त तक।